हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आप सभी जानते हैं हम पिछले 21-22 फरवरी से जब से CGL टीयर 2 का रिजल्ट आया है तब से हम प्रयास कर रहे हैं अपने एग्जाम्स में रिफॉर्म्स लाने की। हमारी कोशिश है कि हमारे एग्जाम्स को एक फुल प्रूफ बनाया जाए, जैसे UPSC एग्जाम कंडक्ट कराता है उसी तरीके से हमारे एग्जाम्स कंडक्ट हों, टाइम बाउंड मैनर में एग्जाम हो, टाइम बाउंड मैनर में वैकेंसीज कंप्लीट हों और टाइम बाउंड मैनर में हमारी ज्वाइनिंग हो। सिर्फ छोटी छोटी सी डिमांड्स हैं हमारी जिन्हें हम वेरियस प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकार के सामने रखते आए हैं। मीडिया ने भी थोड़ा बहुत सहयोग दिया है, जिन मीडिया हाउसेज ने दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं दिया है मैं आशा करता हूँ भविष्य में वो भी हमारी बात को सुने। देखिए, आप सभी को पता है पहले हमने ट्विटर कैंपेन किया 25 फरवरी को, 21 से 25 तक हम लगातार ट्विटर पे ट्रेंड करते रहे। 28 फरवरी के आसपास हमने ग्रीवेंसेस फाइल करी, उसके बाद 1 मार्च 3 मार्च को लगातार हम ट्विटर पे ट्रेंड करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी प्रकार का रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हमारी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है। तो देखिए, आवाज़ सुनाने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हमें अभी और तरीकों पर नहीं जाना है बिल्कुल भी। हमें जो अभी गांधीयन तरीके हैं, जो हमारे महात्मा गांधी ने जो हमें तरीके सुझाए हैं और जो सरकार हमसे कहती है कि इन तरीकों से हम तक बात पहुंचाओ, हम उन्हीं मेथड्स के थ्रू अपनी बात पहुंचाने वाले हैं। अब देखिए, अब हमारा जो कैंपेन है वो क्या है, 9 मार्च को हम पोस्टकार्ड भेजेंगे भारत सरकार यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जिससे कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे एग्जाम्स में रिफॉर्म्स किया जाए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आप लोगों को पता होगा कि ये देखिए कुछ 1200 वैकेंसीज दिल्ली पुलिस की निकली थी, हेड कांस्टेबल की दिल्ली पुलिस में कुछ 1200 वैकेंसीज 2019 में निकली थी, वे नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब कुछ 1200 वैकेंसीज जो निकली थी 549 एक थी और उसके अलावा कुछ 600 के आसपास वैकेंसीज और थी, दोनों मिला के कुछ 1250 वैकेंसीज बनती हैं। और इन वैकेंसीज के लिए आज क्या एक नोटिस आया है, आप देख सकते हैं नोटिस में लिखा हुआ है कैंसिलेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। वो दोनों ही नोटिफिकेशन की वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। यानी कि पहले तो वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आती नहीं, आती है तो उसमें फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा पता नहीं, उसका रिजल्ट कब आएगा पता नहीं, ज्वाइनिंग कब होगी पता नहीं। सरकार क्या कर रही है, सरकार दिखा रही है कि हमने रोजगार बहुत दिया है लेकिन जो एक्चुअल समस्या है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। अब ये वैकेंसी 2019 में निकाली थी, आपको नहीं नौकरी देनी थी, एटलीस्ट एग्जाम मत निकालो ही मत ना, आपने क्यों वैकेंसी निकाली। अब आप निकालते हैं उसके बाद 2 साल बाद उस वैकेंसी को कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप जनता के साथ, क्या आप लोगों स्टूडेंट्स को क्या बना रहे हैं, तो समझ में वो नहीं आता पहली बात तो ये। उसके अलावा आप लोगों को अच्छे से पता है कि SSC के एग्जाम्स का क्या हाल है, हमारे CGL 18 मतलब आखिरी जो रिजल्ट CGL का आया था वो फाइनल वो CGL 17 का आया था और अभी हम 2021 में चल रहे हैं, यानी कि 3 साल हो चुके हैं जब से हमारा कोई रिजल्ट ही नहीं आया। 18 का प्रोसेस अभी कंप्लीट हो रहा है, DB चल रहा है, उसका रिजल्ट आना है 31 मार्च को, देखते हैं अगर आता है। CGL 19 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, CHSL 18 का रिजल्ट जून में देंगे, सीधे जून में बता दिया गया है। तो ये जो इतना डिले प्रोसेस है इसको सुधार करने के, आप सभी को प्रॉब्लम्स अच्छे से पता है, सुधार करने के लिए अब हमने मेथड क्या सोचा है कि हम पोस्टकार्ड भेजेंगे। पोस्टकार्ड देखिए क्या होता है, पहले जब हम जब फोन वगैरह नहीं थे तो ज्यादातर लोग पोस्टकार्ड इस्तेमाल करते थे और पोस्टकार्ड में कुछ 1-2 रुपए का आता है या आप शायद 3-4-5 रुपए का आने लगा होगा, उसमें क्या है कोई टिकट नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, उसमें आप अपनी बात को ऊपर ही लिख देते हैं और वो ओपन होता है। वाई पोस्टकार्ड इसलिए क्योंकि उसमें मैसेज जो है ऊपर क्लियरली विजिबल होता है, तो इनकेस वो कुछ पोस्टकार्ड किसी मीडिया वाले के हाथ या किसी भी व्यक्ति के हाथ लगते हैं तो उससे कुछ एक न्यूज बनेगी और एक बात सरकार लोगों तक पहुंचेगी कि हमारी समस्या क्या है, क्योंकि कई सारे हैंड्स के थ्रू पोस्टकार्ड पहुंचते हैं तो मैसेज हमारा कई सारे लोगों तक कन्वे होने की संभावना है। तो ये जो पोस्टकार्ड कैंपेन है इसमें देखिए सिंपल सा है, आपको एक पोस्टकार्ड लेना है, इस तरीके का पोस्टकार्ड आपको मिल जाएगा अपने कहीं पर भी, आप जो पोस्ट ऑफिस हो, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस हो वहां पर आपको पोस्टकार्ड मिल जाएगा, 5, 10, 15, 20 जितने भी आप पोस्टकार्ड आप लिख सकते हैं उनको खरीद लीजिए, घर में छोटे भाई बहन हो उनसे भी लिखवा दीजिए अपने नाम से ही, तो करीब आप कोशिश करिए कि हर लड़का कम से कम 10 पोस्टकार्ड्स तो भेजे ही, ठीक है। क्या करना है, एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस साउथ ब्लॉक रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली 110011, ठीक है। इसके नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है ये पोस्टकार्ड है, इसमें आप फ्रंट और बैक दोनों साइड लिख सकते हैं, बैक साइड से शुरू होता है और फ्रंट में भी जो जगह है उसमें भी आप अपनी बात को लिख सकते हैं, ठीक है। बात को लिखने के लिए आपको कंटेंट मैंने भी कुछ तैयार किया है, बाकी टीचर्स ने भी आपको बताया ही है, आप वो कंटेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी जो समस्या है आप उसको लिखिए, प्रधानमंत्री महोदय
श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी सम्मान के साथ लिखिए, अपनी बात को अच्छे से लिखिए, और कोई जरूरी नहीं है कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हमें अच्छी हिंदी या अच्छी अंग्रेजी में ही लिखना है, हमें अपनी बात कन्वे करनी है वो हम किसी भी तरीके से कन्वे कर सकते हैं। मैं भारत का एक बेरोजगार युवा हूँ और अपने माँ बाप के अपने सपने पूरे करने के लिए एक अदद नौकरी की इच्छा रखता हूँ, ठीक है। तो मैं सरकार द्वारा सिर्फ पहले तो सरकार द्वारा वैकेंसीज निकाली नहीं जा रही और निकाली भी जा रही है तो उनकी प्रक्रिया को बहुत लंबा कर रखा गया है। उदाहरण के तौर पे सीजीएल 2018 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जितनी बातें आ सकती हैं उस स्पोर्ट कार्ड में उतनी बात लिखिएगा, बाकी आप इसमें से एडिट कर सकते हैं। आप अपनी मांगों को बहुत ही क्लियरली स्पष्ट रूप से लिखिएगा कि शेड्यूल्ड एग्जाम हो हमारे एग्जाम्स का, हमारे लाइक यूपीएससी की तरह शेड्यूल्ड एग्जाम हो, वेटिंग लिस्ट हमारे एग्जाम में निकले, टाइमली रिजल्ट पब्लिश हो, टाइमली ज्वाइनिंग हो हमारे एग्जाम्स की, रिफॉर्म हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में और इन वैकेंसीज को बढ़ाया जाए। और उसके बाद आप लिख सकते हैं, आशा करता हूँ आप हमारी मांगों को जल्द ही शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कोशिश करेंगे, एक्शन लेंगे, और उसके बाद अपना नाम और एक बेरोजगार युवा। देखिए आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे जिसके लिए आपको डरना चाहिए, आप अपना नाम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कोई हिंसा नहीं कर रहे, हम किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम एक लेटर लिख रहे हैं, हमारा आराम से अधिकार है, सरकार हमें अपने खुद कहती है कि आप हमें पत्र लिख सकते हैं, और मोदी जी तो अपने मन की बात में अक्सर कहते ही रहते हैं कि हमें पत्र लिखिए, तो आप इन पत्र को लिख सकते हैं मोदी जी को। अगर आप इसे थोड़ा और वाइड करना चाहते हैं तो आप मीडिया हाउसेस के एड्रेस पे भी इन पोस्ट कार्ड्स को, इन लेटर्स को भेज सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअली में रिफॉर्म हो तो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ ट्विटर में या फिर आप सिर्फ हल्ला करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको इस मुहिम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्चुअली में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो समस्या, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में कोई लड़का सीजीएल की तैयारी करने के लिए सोचता है, तो हमें उसे कहना पड़ता है कि कम से कम बेटा 2 साल लगेगा प्रोसेस कंप्लीट होने में, और इस 2 साल को अब हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप एक्चुअली में रिफॉर्म चाहते हैं तो आप ये सारे काम कीजिए। अगर आप सिर्फ हल्ला करना चाहते थे, लाइमलाइट में आना चाहते थे या सिर्फ व्यूज कमाना चाहते थे तो शायद आप इस बात को और आगे नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका मकसद सिर्फ पब्लिसिटी पाना, सिर्फ व्यूज पाना, सिर्फ इन चीजों को करना नहीं था, तो फिर आप इस बात को भी आगे बढ़ाइए। एक छोटा सा कैंपेन है आपके अवधेश दीक्षित सर ने शुरू किया है एंड आई कंप्लीटली सपोर्ट इट। बाकी टीचर्स ने भी आपके से गुजारिश कीजिए कि हमारी बात को उठाइए। आपने ट्विटर कैंपेन की बात की, पोस्ट कार्ड कैंपेन की बात कर रहे हैं तो इसको भी वो उठाएं और बाकी बच्चों से भी अपनी बात को पहुंचाइए। इस मैटर को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसे शेयर कर सकते हैं अपने साथ में। एड्रेस को भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप दोनों ही चीज़ों को शेयर कीजिए लोगों के साथ में, लोगों तक पहुंचाइए हमारी बात कि आपको ये पोस्ट कार्ड कैंपेन करना है। इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए सरकार हमें सजा दे सकती है या कुछ ऐसा कर सकती है, बहुत ही सिंपल सा काम है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा आपको पोस्ट कार्ड लिखना है, 9 मार्च को लिखिए, और मैं तो कहता हूँ कल से ही लिख सकते हैं, 9 मार्च को आप भेज सकते हैं, पोस्ट कर दीजिए, और एक साथ जब बल्क में बहुत सारे पोस्ट कार्ड जाएंगे तो सरकार सुनेगी, नहीं सुनेगी एटलीस्ट उनके कान तक बात पहुंचेगी ना, वो काफी है। आपको जवाब नहीं देंगे, दैट्स ऑल्सो ओके, बट अगर एटलीस्ट उनके कान तक बात पहुंचेगी वो काफी, ठीक है। तो हमें इस तरीके के लगातार कुछ ना कुछ कोशिशें, लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते रहने पड़ेंगे तभी हमें कुछ सफलता हासिल हो सकती है, ठीक है। देखिए सरकारें बहुत रिजिड होती हैं, और रिजिड क्यों होती हैं, क्योंकि वहां पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का मानना होता है प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, अगर आप किसी प्रॉब्लम को मानोगे ही नहीं तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। अगर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ये भी करना होगा कि प्रॉब्लम माने, पहले गलती मानना, तो गलती मानना पड़ेगा। अगर आप गलती मानेंगे तो गलतियों में सुधार भी होगा, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम नहीं कह रहे हमें लाखों वैकेंसीज दे दो, लाखों चीजें दे दो, कम से कम जितनी है उन्हें टाइमली फिल करो, और अगर कोई नोटिफिकेशन निकाला है तो उसे कैंसिल मत करो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो वीडियो को शेयर की दीजिएगा और कंटेंट को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इन चीजों को बाकी लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे।